बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर कालका से है, जहां कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दौरा है। रायपुर रानी में रैली को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। शाम करीब 5 बजे रैली को संबोधित करेंगे कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार। कालका से बीजेपी की प्रत्याशी है शक्ति रानी शर्मा, जिनके समर्थन में वोट की अपील करते हुए आज नायब सिंह सैनी कालका में नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कालका में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दौरा रहेगा। पंचकुला के कालका पहुंचेंगे कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के समर्थन में वोट की अपील करते हुए जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री आज नजर आएंगे। आपको बता दें कि कालका से बीजेपी की प्रत्याशी हैं शक्ति रानी शर्मा, जो कि लगातार जनता के बीच पहुंच रही हैं और बीजेपी के तमाम जो बड़े वादे हैं, 20 जो संकल्प हैं, अब वो जन जन तक लेकर पहुंच रही हैं शक्ति रानी शर्मा। और इसके साथ ही जनता की समस्याओं को सुनना, समझना और उसका हल निकालना, इन दिनों लगातार जनता के बीच एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं शक्ति रानी शर्मा। उनके समर्थन में आज कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वोट की अपील करते हुए जनता के बीच नजर आएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा के द्वारा लगातार चुनाव प्रचार तेज किया जा रहा है, जन जन के बीच पहुंच रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा जनता के बीच पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के समर्थन में वोट की अपील करते हुए जनता के द्वारा तमाम जो बड़े मुद्दे हैं उठाए जा रहे हैं, उनको उन पर सुनवाई करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ये पूर्ण तरीके से आश्वासन दिया जा रहा है कि उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हरियाणा प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार आती है, उन सभी समस्याओं का समाधान होगा। किस तरह से हरियाणा प्रदेश का विकास होगा, किस तरह से कालका का विकास होगा, ये भी पूरी रूपरेखा जो है, पूरा रोड मैप जो है, उसको जनता के बीच रखते हुए पंडित विनोद शर्मा नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने तमाम दौरे किए। हालांकि आज कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दौरा है और देखना यह होगा कि आज उनके द्वारा जब जनसभा संबोधन होगा तो क्या कुछ बड़ी बातें कही जाती है, क्योंकि अब तो बीजेपी का संकल्प पत्र भी जारी हो चुका है जिसमें 20 बड़े वादे शामिल हैं। और उन सभी वादों को किस तरह से जनता के बीच रखेंगे नायब सिंह सैनी, ये देखने वाली बात होगी। ये महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वादे तो सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन वादों पर भरोसा जनता को दिलाना ये बहुत जरूरी है कि जनता उन वादों पर भरोसा कैसे करती है, ये जनता पर भी निर्भर करता है। लेकिन उन वादों पर भरोसा दिलाना ये कहीं ना कहीं पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो पार्टी के उम्मीदवार, पार्टी के नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी कि उन वादों पर जनता को विश्वास कराया जाए। और अब ऐसे में आज जब जनसभा संबोधन होगा नायब सिंह सैनी का, तो ये महत्वपूर्ण होगा कि वो किस तरह से उन वादों को जनता के बीच रखते हैं और विश्वसनीयता किस तरह से जनता की निकलकर सामने आती है, ये अक्टूबर में पता चलेगा जब 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे। तो कालका में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दौरा रहेगा, शाम 5 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे इस वक्त संवाददाता साहिल रुखाया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। साहिल, आज कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कालका दौरा रहने वाला है, जो कि बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। उनके दौरे से जुड़ी हुई तमाम जानकारी दें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज रायपुर रानी के दौरे पर है। कालका विधानसभा क्षेत्र का मंडल है रायपुर रानी, यहाँ खादी आश्रम में शाम 5 बजे मुख्यमंत्री एक जो है जनसभा को संबोधित करेंगे और कालका से बीजेपी के उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे और प्रचार प्रसार करते हुए नजर मुख्यमंत्री आएंगे और शाम 5 बजे का कार्यक्रम जो है वो रखा गया। इसके साथ साथ इस मौके पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और इसके अलावा जो प्रत्याशी है कालका से बीजेपी की शक्ति रानी शर्मा का पूरा परिवार जो है इस जनसभा के अंदर मौजूद रहेगा। लगातार कालका विधानसभा क्षेत्र से शक्ति रानी शर्मा को लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद और जन समर्थन जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार पूरा परिवार जो है वो कैंपेन में जुटा हुआ है। लगातार कार्तिकेय शर्मा जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके फादर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा है और इसके अलावा उनका पूरा परिवार लगातार कालका विधानसभा क्षेत्र के अंदर जोरों शोरों से प्रचार प्रसार जो है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है और
जो दूसरी पार्टियों के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के अंदर शामिल जो है वो लगातार हो रहे हैं। कल भी एक बड़ी ज्वाइनिंग जो है वो कालका भाजपा कार्यालय के अंदर हुई थी। इससे पहले भी कई ज्वाइनिंग जो है वो कार्तिकेय शर्मा जो है वो करवा चुके हैं। तो लगातार प्यार और समर्थन जो है वो शक्ति रानी शर्मा के पक्ष में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज एक बड़ी जनसभा जो है वो रायपुर के अंदर, रानी के अंदर होने वाली है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री जो कारवा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है वो पहुंचने वाले हैं। शाम 5 बजे का समय जो है वो रखा गया है। जी बिल्कुल साहिल, देखिए ये तो अभी विधानसभा चुनाव का दौर है, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है जब शक्ति रानी शर्मा की तरफ से जनता के बीच वो पहुंचती थी, जनता की समस्याओं को समझती थी। और इसके साथ ही अगर पूर्व केंद्रीय मंत्री की बात की जाए, पंडित विनोद शर्मा की, एचएमटी का मुद्दा वो लगातार उठाते नजर आ रहे हैं। सांसद जो है कार्तिकेय शर्मा, वो भी एचएमटी का मुद्दा लगातार जोरों से उठा रहे। तो ये तमाम जो, और कालका की जो समस्याएं हैं, जो वहां के गरीब हैं, उन गरीब तबकों की बात को सुनना, मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना, ये हमेशा से देखा गया है। लेकिन इन सब के बीच अब जब बीजेपी के उम्मीदवार हैं शक्ति रानी शर्मा और चुनावी मैदान में हैं, घोषणा पत्र जारी हो चुका, संकल्प पत्र में 20 बड़े वादे किए गए हैं, उन वादों पर भरोसा दिलाना अब एक महत्वपूर्ण भूमिका बन गई है। बिल्कुल, क्योंकि जो पंडित विनोद शर्मा है या फिर उनका पूरे परिवार की बात की जाए तो इनका पूरा परिवार जो है लोगों की सेवा कई सालों से करता आ रहा है। तो लगातार इससे पहले भी कालका विधानसभा क्षेत्र के अंदर मेडिकल कैंप लगाए गए थे। अंबाला की बात की जाए तो अंबाला से शक्ति रानी शर्मा मेयर है, फिलहाल पहली मेयर है, और लगातार वहां के इलाके में विकास कार्य भी जो है उनके द्वारा भरपूर किए गए हैं। इस बात की जिस तरीके से लोग जो है वो भली भांति जानते हैं। अगर सेवा की बात की जाए तो निस्वार्थ सेवा जो है उनकी ओर से लगातार की जा रही है। सामाजिक कार्यक्रमों में उनका जो है भागीदारी अहम रहती है। तो तमाम जो मुद्दे हैं जो जनता के से जुड़े हैं उनको भी उठाने का काम जो है वो कार्तिकेय शर्मा की ओर से लगातार पहले भी किया जा चुका है। और पिछले दिनों एचएमटी का मुद्दा जो है उनकी ओर से संसद में उठाया गया था। और इसके अलावा वो केंद्रीय जो मंत्री हैं कुमार स्वामी, इस मुद्दे को लेकर उनसे भी मिले थे। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे का जल्द से जल्द सोल्यूशन जो है वो किया जाएगा। और लगातार जनसभाओं में जिस तरीके से हम लगातार कवर कर रहे हैं उनमें लोगों द्वारा एक ही मुद्दा जो है वो लगातार उठाया जा रहा है कि यहाँ नशे की बड़ी समस्या जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि लगातार जो है युवा जो है वो नशे की चपेट में आ रहे हैं। तो इसको लेकर कार्तिकेय शर्मा की ओर से नशा तस्करों को भी साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है। नशा तस्कर जो है 8 तारीख तक या तो इलाका छोड़ के चले जाए, 9 तारीख को हम उन्हें जो है उनका बोरी बिस्तरा बांध के यहाँ से भगा देंगे। और उनके खिलाफ तक कार्रवाई करने के बाद जो है वो लगातार कार्तिकेय शर्मा की ओर से की जा रही है। इसके साथ साथ पंडित विनोद शर्मा भी जो है वो लगातार कैंपेन जो है वो कर रहे हैं। तमाम रायपुर रानी के इलाकों में, गाँव में लगातार लोगों से मिल रहे हैं। लोगों का प्यार जन समर्थन जो है वो पंडित विनोद शर्मा को लगातार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पंडित विनोद शर्मा का एक बड़ा राजनीति अनुभव है। 50 साल से वो राजनीति जो है वो कर रहे थे। 1980 में पहली बार वो डेराबस्सी से विधायक बने थे। तो लोगों का प्यार जन समर्थन जो है उन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंजे हुए नेता है। लोग जो है वो चाहते हैं कि यहाँ कोई ऐसा नेता हो जो उनके क्षेत्र का विकास कर पाए। तो लगातार जो है उनका यही कहना है कि शक्ति रानी शर्मा ही एकमात्र नेता है जो इस जनता इस इलाके का जो है विकास कर पाएगी। और आप एक बार विश्वास तो कीजिए, उसके बाद हम जो है आपके जो तमाम जो आपकी ओर से बातें कही गई हैं उन पर खरा उतरने का काम जो है वो करेंगे। तो 5 तारीख को हरियाणा के अंदर जो है वोटिंग होनी है, 8 तारीख को जो है वोटों की गिनती होनी है। तो ऐसे में लोग भी जो है अपना मन बना चुके हैं, क्योंकि लगातार जन समर्थन सपोर्ट जो है वो लोगों का शक्ति रानी शर्मा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और साहिल आज के कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी, चूंकि आज कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, आज के कार्यक्रम को लेकर जानकारी और समय की जानकारी दें। बिल्कुल, आज के कार्यक्रम की बात की जाए तो करीब 5 से 5:30 बजे जो कारवा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है वो जो कालका विधानसभा का मंडल है रायपुर रानी उसके खादी आश्रम में पहुंचेंगे और वहां एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी के दौरान वो कालका विधानसभा क्षेत्र से जो बीजेपी की प्रत्याशी है शक्ति रानी शर्मा
उनके पक्ष में वोटों की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो लोगों में उत्साह भी जो है वो काफी देखा जा सकता है, क्योंकि रायपुर रानी में लगातार जो है लोग तैयारियां भी कर रहे थे और लोगों में उत्साह भी जो है, क्योंकि उनके हल्के में जो नायब सिंह सैनी जो है वो आने वाले हैं, तो लोगों ने तैयारियां भी जो है वो पूरी कर लिया। तो करीब 5 से 5:30 बजे का समय जो है वो रखा गया है और मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित भी करेंगे, साथ ही साथ वोटों की अपील करने का काम भी जो है मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। चलिए साहिल, अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम जो अपडेट है वो आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।